एमसीडी पूरी दिल्ली के अवैध निर्माणों पर जल्द ही बुलडोजर एक्शन प्लान करने जा रही है। राजधानी दिल्ली में ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर एमसीडी का बुलडोजर जल्द ही चलने वाला है, और ऐसे इलाके भी हैं जहां पर बुलडोजर पहले ही चल चुका है। आपको बता दें कि एमसीडी का ये प्लान पूरे महीने का है। दिल्ली में जितने भी अवैध निर्माण है उन सब पर एमसीडी अब कार्रवाई करेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसके जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी में ऐसी बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड पर बसी हुई हैं। तो वहीं अगर पीएम उदय योजना पर नजर डाली जाए तो इसके तहत एग्रीकल्चरल लैंड को रजिस्ट्री का दर्जा मिलने वाला था, लेकिन कई लोगों ने वो रजिस्ट्री नहीं करवाई, जिस कारण उनकी जो खेती की जमीन थी वो पूरी रेजिडेंशियल एरिया यानी कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कन्वर्ट हो गई। यानी कि वो लोग वहाँ पर रह रहे थे लेकिन उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं थी। लेकिन खेती की ज़मीन को जो अब एक रेजिडेंशियल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी सरकार के पास अभी तक ना तो कोई जानकारी है और ना ही कोई कन्वर्जन फीस सरकार के पास उसकी आई है। ऐसे में वहाँ पर बिना नक्शा पास करवाए कई अवैध मकान धड़ल्ले से बन रहे हैं, जिसके चलते हाल ही में एमसीडी ने कार्रवाई अब शुरू कर दी। तो वहीं अगर कार्रवाई की बात करें तो अब तक करीबन 37 अवैध मकानों को एमसीडी ने ढहा दिया है और 29 प्रॉपर्टियों को सील कर दिया है। एमसीडी की इस कार्रवाई की शुरुआत बुराड़ी से हुई। हालांकि कार्रवाई सिर्फ बुराड़ी में नहीं होगी बल्कि दिल्ली के 12 के 12 एमसीडी जोन में होगी। सबसे ज़्यादा निर्माण की अगर बात की जाए तो जानकारी के अनुसार वो नजफगढ़, रोहिणी और नरेला जोन में ही है। तो वहीं एमसीडी ऑफिसरों के अनुसार ये सभी निर्माण अवैध है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल लैंड पर बनवाए गए हैं। ऐसे ही 1100 अवैध निर्माणों की लिस्ट एमसीडी द्वारा पिछले साल तैयार की गई थी, जिस पर उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया। इसी के साथ पुलिस फोर्स तैनात करवाने के लिए एमसीडी ने आसपास के पुलिस थानों में लेटर भी भेज दिए। फिलहाल सिविल हाउस के बिल्डिंग इंजीनियरों द्वारा बुराड़ी, भलसवा डेयरी और सब्जी मंडी में कार्रवाई के लिए संबंधित थाने में पत्र लिखे जा चुके हैं। इसके अलावा मुखर्जी नगर, स्वरूप नगर और तिमारपुर जैसे इलाकों में भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जा चुका है। हाल फिलहाल में जिन 37 मकानों को ढहाया गया और 19 प्रॉपर्टी को जिन्हें सील किया गया वो है बुराड़ी, मंडी, जैतपुर, जामिया नगर, भाटी और मॉडल टाउन में। फिलहाल 1000 से अधिक मकान एमसीडी की लिस्ट में शामिल हैं। तो वहीं 731 अनऑथराइज्ड कॉलोनी की बात करें जो कि पीएम योजना के तहत पास हो चुकी है, वहां पर भी अगर किसी ने बिना नक्शे के मकान बनवाया है तो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो मकान को गलत माना जाएगा। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि पीएम उदय योजना के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएगी और कौन कौन सी नहीं। अब अगर बात की जाए क्या सजा दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड पर अपना घर बना लिया है और उसे चेंज भी नहीं करवाया है, तो मैं आपको बता दूं कि उन लोगों पर अब कार्रवाई होगी। इस तरह की प्रॉपर्टी आया नगर, डेरा मंडी, मुंडका, भक्तारपुर, अलीपुर, बुराड़ी, होलंबिक खुर्द, सबोली रोड, बवाना रोड, लमपुर, नरेला, कराला, निजामपुर, जड़ोदा, हरिदास नगर, इंदरलोक, स्वरूप नगर, टिकरी कला और खेड़ा खुर्द जैसे ग्रामीण इलाकों में स्थित है। अब जिन अवैध निर्माणों पर एमसीडी द्वारा हाल ही में कार्रवाई की गई है वो है भाटी, मंडी, बुराड़ी, जैतपुर, जामिया नगर, नांगलोई, गोविंदपुरी, वसंत कुंज, कमला नगर और मॉडल टाउन। ये जो 37 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं और 19 प्रॉपर्टी जिन पर सील किया गया है और अभी फिलहाल कार्रवाई बाकी है, उनकी लिस्ट तो काफी ही ज्यादा लंबी है, जिसको लेकर एमसीडी द्वारा इन पर एक्शन करने की पूरी लिस्ट बनाई गई है, वो भी दिनों के हिसाब से कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी टूटेगी। तो वहीं पिछले 3 महीनों से एमसीडी द्वारा 1204 ऐसे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें से 990 निर्माणों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और 322 प्रॉपर्टियों को सील कर दिया गया है, जिसमें से 68 के खिलाफ सरकार द्वारा लीगल एक्शन भी लिया जा चुका है। अब सरकार के इस फैसले को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि जहां एक और सरकार की कई स्कीमें चल रही हैं, जैसे कि पीएम उदय योजना या फिर अगर बात की जाए जहां झुग्गी वही मकान की, लेकिन फिर भी राजधानी में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आ रही है जिसमें सैकड़ों लोगों के घर उनसे छीने जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके इलाके का नाम भी इस लिस्ट में था तो
आप सावधान होने की कोशिश कीजिए। और जिन लोगों के इलाके का नाम इस लिस्ट में था ही नहीं, वो अपने मकान के रजिस्ट्री को जल्द से जल्द पक्का करवा ले ताकि आपको आगे चलकर कोई भी परेशानी न झेलनी पड़े। हम आशा करते हैं कि तेज तर्रार द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसको लेकर जो भी आपकी राय है, जो भी आपके सवाल है, हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही तेज तर्रार के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।